तो गाइज आप भी एकदम टैग अच्छे अच्छे जेन्युइन टैग अपने वीडियो में यूज करते हो फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं होता है, तो आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टैग सही तरीके से आप कैसे लगा सकते हो एंड जो भी जेन्युइन टैग है वो आप कहाँ से सर्च कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं दो टॉपिक बताने वाला हूँ, दोनों टॉपिक बहुत ही मज़ेदार का है एंड इस ट्रिक से आप जरूर से जरूर आपके अपने वीडियो को वायरल करा सकते हो यानी कि अपने व्यूज बढ़ा सकते हो। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी यूट्यूब पर से टैग को लगा लगा के अपने वीडियो में एकदम परेशान हो चुके हो फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा, तो आपको आज न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ, आप ये ट्रिक जरूर से यूज करना, ठीक है। सबसे पहले आपको आ जाना क्रोम ब्राउजर पे एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है रैपिड टैग्स, तो आपको एक वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। उस वेबसाइट को आपको मेन वेबसाइट ओपन कर लेना है एंड जैसे ही आप अपने मेन वेबसाइट पे आ जाते हो अब आपको यहाँ पे देगा यूज टूल्स फॉर फ्री, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपका ये जो वेबसाइट एकदम फुल तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी टाइटल आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। YouTube पे आप छोड़ दो, YouTube पुराना हो चुका है, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं, जो भी आपका टाइटल है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ ही से आपको सर्च करना है, जैसे ही आप सर्च करते हो आपको सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं इससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये चीज़ जो चीज़ YouTube पे सर्च किया जाता है वही टैग्स यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से सारे जो भी टैग्स है कॉपी कर लेना एंड अपने वीडियो में जाकर ले जा करके पेस्ट कर देना। तो ये था हमारा पहला स्टेप, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप को, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देखो गाइस अब आपको क्या करना है, ये तो आपने कर लिया, अब आपको सिंपल से आ जाना है अपने YT स्टूडियो में, ठीक है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, जैसे कि बहुत लोग होते हैं बहुत मतलब लॉन्ग वीडियो क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में ही, तो उनका जो वीडियो होता है उनका जो भी इंप्रेशन हो जाता है वो डाउन हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनका जो ऑडियंस रिटेंशन होता है ना वो बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप वीडियो न्यू में क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि आप अभी न्यू यूट्यूबर हो, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, अपने वीडियोज़ को सारे वीडियोज़ जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसको आपको स्मॉल में कम से कम आपको 2 मिनट का और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट तक का ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने भी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा क्रिएट किया था जैसे कि 8 मिनट 10 मिनट, तो उसका ऑडियंस रिटेंशन जो है कम हो चुका है बहुत ही ज़्यादा एंड उसका जो वहीं से क्या होता है रीच डाउन होता है एंड वहीं से इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो ये वीडियो आप देख पा रहे हो 9 मिनट का मेरा वीडियो है, लेकिन अब मैं इसका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑडियंस रिटेंशन जो है इसका 19% है।